हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन, यहाँ पे ये तीन पार्ट्स दे रखे हैं, इनके बीच में हमें 5 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। अब सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स को देखेंगे और इनके डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे। अगर इक्वल नहीं है तो सबसे पहले तो हम इसको लिखेंगे 2/3, इसको हम लिख लेते हैं पहले और फिर इसको लिख लेते हैं 4/5। अब यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर को इक्वल कैसे करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। 3 और 5 का एलसीएम क्या आ जाएगा, दोनों प्राइम नंबर हैं तो इसका एलसीएम जो है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, यानी 5 × 3 = 15, तो 15 एलसीएम होगा इसका। तो यहाँ पर हम ऊपर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 10/15 और ये हो जाएगा 12/15। अब हमें इसके बीच में कितने रेशनल नंबर चाहिए, 5 रेशनल नंबर चाहिए। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें सिर्फ ऊपर वाले नंबर को, तो ये 10 है, ये 12 है, 10 और 12 के बीच में एक ही नंबर होता है और वो क्या है, 11। एक नंबर मिल जाएगा और हमें कितने चाहिए, 5 चाहिए, तो कितने बचे, 4 बचे, तो 4 में 1 ऐड करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी जितने नंबर हमें चाहिए होंगे उससे एक ज़्यादा से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम 5 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से नीचे, 5 से ऊपर, 5 से नीचे, तो ये क्या हो जाएगा, 50/15 × 75। सिमिलरली यहाँ पे 12/5 = 60 और 15/5 = 75। तो ये आ गया हमारा 50/75, 60/75। तो इसके बीच में हम कई सारे नंबर लिख सकते हैं, तो यहाँ पे 51 से स्टार्ट करते हैं, 51/75, 52/75, 53/75, 54/75, 55/75। तो ये हमारे 5 रेशनल नंबर हो जाएंगे 2/3 और 4/5 के बीच के। ठीक है, अब आते हैं हम सेकेंड वाले पार्ट पे। तो सेकेंड वाला पार्ट हमें किस तरह से दे रखा है, इस तरह से दे रखा है, यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, 2 और 3। तो यहाँ पे पहले हम डिनोमिनेटर को सेम कर लेते हैं, 5/3। अब यहाँ पे ये 2 है, ये 3 है, इसका एलसीएम क्या होगा, 6 होगा, तो यहाँ पे हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, यहाँ पे नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ये हो जाएगा माइनस का 9/6, ये हो जाएगा 5 × 2 = 10, 3 × 2 = 6, तो ये हो गया 10/6। अब हमें चूंकि 5 रेशनल नंबर्स चाहिए तो हमें इसमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं ये -9 है, इसके बाद आएगा -8, -7, -6, -5, तो माइनस के ही 5 रेशनल नंबर्स मिल जाएंगे। सिमिलरली हमें पॉजिटिव भी 5 रेशनल नंबर्स मिल जाएंगे, तो हम पॉजिटिव वाले 5 रेशनल नंबर्स लिख लेंगे क्योंकि वो आसान लगते हैं। अब यहाँ पे ये 10 है, 10 से छोटे कितने होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, तो ये सारे जो रेशनल नंबर्स हैं ये हमारे इसके -3/2 और 5/3 के बीच के हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट वाले पे। तो नेक्स्ट वाला हमारे किस तरह से दे रखा है, 1/4 and 1/2। अब यहाँ पे 1/4 लिखेंगे, यहाँ पे 1/2 लिखेंगे। अब पहले तो हमें 4 और 2 को यहाँ पे एलसीएम फाइंड आउट करना है, तो 2, 4, 2 × 2, 2 × 2 = 4, यहाँ पे फिर 2, 1, 2 = 2, तो यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 × 2 = 4, यानी कि 4, तो यहाँ पे तो पहले से 4 है, यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1/4, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2 × 2 = 2, 2 × 2 = 4। अब यहाँ पे देखो, अगर ऊपर देखें तो यहाँ पे ये 1 है, ये 2 है, इस तरह से तो इसमें कोई भी रेशनल नंबर नहीं दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है, तो 5 में 1 ऐड कर देंगे, यानी कि 6, 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरह से, तो ये क्या हो जाएगा, 6 × 1 = 6, 6 × 4 = 24, यहाँ पे 6 × 2 = 12, 6 × 4 = 24,
तो अब ये आ गया 6/24, 12/24, तो अब इसके बीच में हमें 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। 6 के बाद क्या आता है, 7/24, 8/24, 9/24, 10/24, 11/24, तो ये हमारे 5 रेशनल नंबर्स हो गए 1/4 और 1/2 के बीच में। तो इस तरह से हम रेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। जितने रेशनल नंबर हमें फाइंड आउट करना है उसमें 1 ऐड करके हमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, क्वेश्चन समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। आज के लिए बस इतना ही।